कंप्यूटर और ह्यूमन बींग्स में क्या डिफरेंस है, आदमी में और कंप्यूटर में क्या अंतर है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये डिफरेंस है कंप्यूटर और ह्यूमन बींग्स में। पहला है, कंप्यूटर जो है वर्क्स वेरी फास्ट, कंप्यूटर जो है बहुत स्पीड में काम करता है इन कंपेरिजन टू ह्यूमन बींग्स। तो इट वर्क्स वेरी फास्ट, इज स्लो इन डूइंग कैलकुलेशन। यदि ह्यूमन बींग के पास यदि कैलकुलेशन करने के लिए बड़ा सा डेटा दे दिया जाए तो ह्यूमन बींग्स कैलकुलेशंस बहुत लेट से करेगा इन कंपेरिजन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वर्ष कैलकुलेट करके बहुत जल्दी विद इन ए मिनट्स वो कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट दे देगा। सेकेंड पॉइंट, डज नॉट नीड रेस्ट, कंप्यूटर थकता नहीं है, कंप्यूटर हर हमेशा चलते रहता है। ये इसे जो है चलने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन आदमी जो है ह्यूमन बींग्स नीड रेस्ट आफ्टर वर्क, ये काम करने के बाद इनको फिर से रेस्ट चाहिए, फिर से तरोताजा होने के लिए, फिर से वर्क करने के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट, हैज गुड मेमोरी, कंप्यूटर के पास मेमोरी होता है और वो हर डेटा को सेव रखता है अपने पास। तो इसके पास ऐसा मेमोरी होता है कि जब चाहे इसे रिट्राइव कर सकते हैं, लेकिन आदमी ह्यूमन बींग्स को क्या होता है, मे फॉरगेट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन माइंड, माइंड में कभी कभी जो चीज याद करता है उसे वो भूल भी जाता है, तो उसके लिए उसको दोबारा से रिवीजन करना जरूरत हो जरूरी होता है, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। फोर्थ पॉइंट, नेवर मेक्स मिस्टेक्स, कंप्यूटर को जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो, आप जो कमांड देते हो, उसी कमांड के हिसाब से वो काम करता है और वो उस कमांड के हिसाब से जो वर्क करता है उसमें कोई गलती नहीं करता है। इसलिए कंप्यूटर कह सकते हैं हम नेवर मेक्स मिस्टेक्स, बट ह्यूमन बींग्स के साथ ऐसा नहीं है, मेक्स मिस्टेक्स, ह्यूमन बींग्स से गलतियां हो जाती है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट हैज नो फीलिंग्स, कंप्यूटर को कोई फीलिंग्स नहीं होता है, आप उसके साथ इमोशन से नहीं जुड़ सकते, लेकिन ह्यूमन बींग्स को इमोशन होता हैज इमोशन एंड फीलिंग्स, ये सोच समझ के स्टेप लेके कोई कार्य करता है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया आपके कंप्यूटर और ह्यूमन बींग्स में अंतर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, क्या प्रोसेस होता है,